लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। तू दीपा से क्यों नहीं मिलता? दीपा से कैसे मिलूं? दीपा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो फिर और किससे मिला जा सकता है? मां से, नौकरों से। लेकिन दोनों नौकर बिहारी और लल्लू तो नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। यही दाल में कुछ काला है भाई। जमीन तो मैं सारी गिरवी रखूंगा। ये ले 5,000 रुपया और यहाँ अंगूठा लगा दे। सेठ जी, इन छोटे छोटे बच्चों पर तरस खाइए और आधी जमीन ही गिरवी रख लीजिए, वरना ये भूखे मर जाएंगे। रामलाल, ये बच्चे भूखे मरे, गले सड़े जिए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। रुपया चाहता है तो पूरी जमीन मेरे नाम ले, यहाँ अंगूठा लगा दे। अच्छा सेठ जी, भोलेनाथ ऐसी रेख में मेख लगाओ कि रामलाल की जमीन की तरह सारे गांव की जमीन मेरे कब्जे में आ जाए। सुनो 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 जनाबे आला, क्या कहता है मुनादी वाला? मुनादी सुनना गौर से, फिर बात करना किसी और से। आपके गांव में 172वें स्वामी सुरेशानंद पधारे हैं और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कल आपके गांव के रामबाग में शिव जी महाराज उन्हें साक्षात दर्शन देंगे और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भी वहां आकर साक्षात शिव जी के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। जय हो प्रभु, जय हो पार्वती जी, जय हो माता पार्वती, जय हो। स्वामी, आपने उस गरीब साधु को दर्शन तो दे दिए लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं की। प्रिय, कल हमारी मूर्ति पर उस साधु के लिए 50,000 सोने की मोहरों का चढ़ावा चढ़ने वाला है, लेकिन यहां हमारा एक और भक्त बिहारी भी है जिसने पिछले जन्म में हमारी बहुत तपस्या की है और ये 50,000 मोहरें अपने आप बिहारी की तरफ खिंची चली जा रही है। अगर बिहारी ने 5,000 मोहरें देकर कल के चढ़ावे का सौदा साधु से कर लिया तो साधु के पास तो सिर्फ 5,000 मोहरें ही रहेंगे और वो 50,000 मोहरें बिहारी लाल ले जाए। तब तो महाराज इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा कि दोनों में से किसकी भक्ति में ज्यादा शक्ति है। पचास हजार मोहरें मुझे मिलेंगी, मेरी भक्ति में ज्यादा शक्ति है। 50,000 मोहरें मुझे मिलेंगी। आज भोलेनाथ की मूर्ति पर चढ़ा हुआ चढ़ावा मेरा। ये कैसे हो सकता है बालक? भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ चढ़ावा तो भक्तों के लिए होता है, उनके कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। महाराज, भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए मैं ये 5,000 असरफिया देता हूँ। असरफिया? नहीं, ये कैसे हो सकता है बालक? यदि आप चाहें भगवान तो हो सकता है। हो सकता है? हो सकता है। बालक, तुम्हारी आंखों में श्रद्धा देखकर हमारा मन पसीज गया। हम इसे स्वीकार करते हैं। जय हो, जय हो महाराज की, जय हो, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। दस पैसे, 5 पैसे, असल में कोई भी नहीं। अरे भक्तों, कोई सर्फी तो फेंको। हैं? सूरज डूब गया, शाम हो गई और ये क्या? यहां तो 10 रुपए की रेजगारी भी नहीं आई। मेरी 50,000 अशर्फियां क्या? महाराज,
महाराज ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जय भोले शंकर। बाबा मेरी शक्ल मुझे वापस कर दे, मुझे ये सौदा पसंद नहीं। तुम आज का चढ़ावा ले जाओ बच्चा। अरे चढ़ावा तो वहाँ 20 रुपए की रेसगाड़ी भी नहीं आई। भगवान के चरणों के 20 रुपए तुम्हारी 5000 अशर्तियों से कहीं ज्यादा है बच्चा। ढोंगी मैं तुझे अच्छी तरह समझ गया हूँ, सीधी तरह से मेरी अशर्तियाँ दे दे, वरना मैं गुंडों से कहकर तेरा खून करवा दूंगा। तुम हमारा खून करवा दोगे? हमारा खून करवा दोगे? तुम हमारा गुस्सा नहीं जानते मूर्ख अत्याचारी, हम तुम्हें भस्म कर देंगे। जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ। बदमाश, मैं तुझे समझ लूंगा। अरे लोग, अरे लोगों में लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। ओ भोलेनाथ, तू झूठा, भगवान भी झूठा। मैं भी उससे जाकर पूछता हूँ, अभी जाकर पूछता हूँ, वो लुटेरा है। तू भगवान होकर झूठ बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती? मूर्ख संसारी, हमने अपने भक्त को 50,000 मोहरे देनी थी, तूने सिर्फ 5,000 दी, बाकी की 45,000 क्यों नहीं दी? महाराज मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही थी। लेकिन सेठानी के घर से तो 50,000 मोहरे चोरी हुई थी, बाकी की 45,000 कहाँ है? महाराज मुझे पता नहीं। पता क्यों नहीं? बिहारी के बच्चे तूने चोरी किया है, बोलो बाकी मोहरे कहाँ है? मैं सच कहता हूँ महाराज, मुझे कुछ पता नहीं। नागराज महाराज ये ऐसे नहीं बताएगा, तुम पूछो। बोल बिहारी के बच्चे, बोल। मेरे पास तो कुल 5,000 थी, बाकी की तो रणवीर माया और लल्लू के पास है। बाबा हम चावली मिल के चोरी की थी, मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ। बिहारी के बच्चे, मैं उसी बदनसीब मुनीम का बेटा विजय हूँ। विजय? हाँ, जिसे तुमने जेल की सलाखों में भेज दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हार जादे, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। विजय, विजय, हट जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो। विजय, बचाइए इंस्पेक्टर साहब, बचाइए। मिस्टर विजय, कानून को हाथ में मत लीजिए। हेलो हेलो, आप मिस दीपा बोल रही हैं? जी हाँ, मैं दीपा बोल रही हूँ। मैं इंस्पेक्टर सुंदर सिंह चड्डा बोल रहा हूँ। आप पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? हाँ, देखिए कुछ दिनों पहले आपके घर में चोरी हुई थी, उस सिलसिले में एक चोर पकड़ा गया है। वो चोरी मुनीम जी ने की थी और उन्हें उसकी सजा मिल गई। जी, जो चोर पकड़ा गया है वो आपके घर का पुराना मुलाजिम बिहारी है। क्या? इन लोगों ने मुनीम जी को गलत पकड़वा दिया था। उस कमीने बिहारी को आपने पकड़ा है इंस्पेक्टर? जी मैंने नहीं, विजय ने। विजय ने? आप थाने आकर मुल्जिम की शिनाख्त कर दीजिए। मैं भी आती हूँ। हैं? तुम बैठ गए? उठो उठो, ये पुलिस स्टेशन की कुर्सी है, चोरों के लिए नहीं शरीफों के लिए है, और तुम चोर हो, तुम पुलिस स्टेशन पर पढ़कर बुलाए गए हो, जहाँ गुंडों बदमाशों और चोरों के साथ लड़ाई होती है, और पुलिस थाने में आने का तुम्हें मजा अभी चखाता हूँ। निकालो निकालो मुर्गे की आवाज, निकालो 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 मुर्गे की आवाज, निकालो भैंस की आवाज, निकालो भैंस की आवाज, कुत्ते की आवाज, निकालो कुत्ते की आवाज। अरे अरे पागल कुत्ते की नहीं, शरीफ कुत्ते की। बस इसी तरह आवाज निकालते रहो। चलो चोर, बिहारी के बच्चे, नमक हराम, शर्म नहीं आई तुझे चोरी करते हुए? कीजिए तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? मैं तेरे जान ले लूंगी। ये पुलिस स्टेशन है, कोई आपका घर नहीं। I'm sorry इंस्पेक्टर, मैं जरा जज्बात में बह गई थी, चोर बिहारी को देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। हम जानते हैं आप बहुत परेशान हैं, आप घर जाइए, जब रुत होगी हम आपको बुला लेंगे। हाँ। जाइए जाइए जाइए। मवाली, चोर कहीं का सर। थैंक यू। तुम झाड़ू रहो। हाँ।
अरे यार ये नया ड्रिंक बना है कैपा कोला, पीने का बड़ा मजा है। साहब क्या चाहिए? एक कैंपा कोला। सिर्फ एक कैंपा कोला? जग्गू दादा, लगता है ये लड़की को तंग कर रहा है। अभी देखता हूँ। लड़की को मारता है। नहीं, ये थोड़ी मुझे तंग कर रहा था। परोतिकाय को कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। गंजे, मैं वही हूँ। मारो मत, हम कह देते हैं, हमारा गुस्सा बहुत खराब है। हाय हाय हाय, हवाई हाथ पे जूती के आ गई तो हर बोल के बंद हो गई। कप्पू के पास वो है जरा खोलो पर सही। अरे लोगों, अरे बचाओ, हम कब मारे जा रही। बात क्या है, क्यों क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? तोहार क्या कर रहे हो? तोहार जूता खा गया। अरे तुम आज क्या है? मार दिया मकई की जगह बना डालूंगी। मत मिलने आखिर बात क्या है? अरे सेठ जी, सच पूछो तो बात कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, हम अपने खीसे से निकाल कर ठन ठना ठन गिन कर ई के बाप को पूरे 500 रुपए दिए हैं। तोने पर ये सुसरी हमारे साथ चलने को इनकार करते हैं। अब आप ही बताइए सेठ जी, ई का जुल्म की बात है कि नहीं? 500 रुपए? बस 500 रुपए? 500 रुपए? रुपए का तो एक एक पैर है। अरे सस्ती है, महंगी नहीं है। शर्म नहीं आती? मुझे बर्बाद कर दिया। मैं नहीं जाती ससुराल। नहीं जाती तो कोई बात नहीं, यहाँ मेरे यहाँ नौकरी करोगे? यहाँ रह जाओ, यहाँ रह जाओ। अरे वाह सेठ जी, तू तो हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी। देखा दिलजनिया, ईका कहते असली सेठ है। माफ करियो सेठ जी, हमने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, धो भी धो देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ आओ, चलो कप्पू के बापू। चलो कप्पू की मैया। बड़े नटखट हैं जी। आओ ना भैया जी। हाँ जी, हमारी चमक चलो तो गई है मान, आप तैयारी कर लो। काहे की तैयारी से? मुझे अपनी चमक चलो लानी है, कल मेरा गौना है, तुम्हें मेरे साथ मेरे सरप्राइज चलना पड़ेगा। आज चलेंगे। अरे कमबख्तो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपने जीजा जी के लिए दूध तो लाओ। इसकी क्या जरूरत थी ससुर जी? जीजा जी के लिए दूध, जीजा जी के लिए साल है जी। तुहार जीजा जी किसी और के हाथ का नहीं पीते हैं, तुम जाके उनकी सेवा करो, दूध हम लाते हैं। चलो जीजा जी की तो एक दो तीन
साले का कुछ नहीं होगा, सभी डाल दो। लो सेठ जी दूध पियो। अब सेठ जी आराम करी है, सोने का कमरा कहाँ है? बेटा बालकिशन, हाँ बाप, सोने अपने जीजा जी को खन्ना वाले मकान में ले जाओ। अच्छा बाबू, ससुर जी कलावती अपने जवाई जी बड़े खूबसूरत हैं। ये क्या गड़बड़ हो गई? अजी बाथरूम की तरह है। भैया जी बाथरूम की तरह है। अरे कब हवा सेठ जी? बाथरूम की तरह है। बाथरूम? अरे सेठ जी गांव के घर में बाथरूम कहा? अरे मैं क्या करूं, मेरे पेट में तो गोल बड़ी गोलमाल हो रही है, ससुराल का मामला है, ये धोती खराब हो गई तो मैं। अरे रोक 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 सेठ जी रोक, पहले कंट्रोल करो सेठ जी, थोड़ा कंट्रोल। अभी सोचते हैं मटके से काम चलाई लो। मटके से काम चलाओ। अरे सेठ जी थोड़ा शर्म करो, पिछवाड़े हो जाओ। अरे भैया जी तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, मेरी तो जान में जान आ गई। देखो भैया जी सुनो, सुबह ये मटका ये घड़ा बाहर फेंकाओगे ना? अरे जब सुबह होगी तो देखेंगे सेठ जी, अब ही तो सोने दो। भैया जी, ए भैया जी, ओ भैया जी, उठो दिन चढ़ाया है, वो मटका फेंकाओ जाके, उठो। ए सेठ जी हमारो इज्जत है, ऐसा घटिया काम हम नहीं करते। धीरे बोलो धीरे बोलो, नाराज क्यों होते हो? हमने किया, हम खुद फेंकाएंगे बाहर जाके। हाँ खुद फेंका, शर्माने की कौन सी बात है, अब हम फेंके रहते हैं, फेंकाते हैं और क्या। अरे ससुर जी, अरे तू लुट गयो, अरे तू बर्बाद होएगा, तुहार बेड़ा बैठ गवा। अरे कुछ बोलो तो सही मुँह से। अरे तुहार जवाई रूठा जा रहा है। रूठा जा रहा है? हाँ, उई का जाई के मना लो, नहीं तो तुहार बेटी घर में बैठी रह जाएगी। देखेगा मुझे छोड़कर मत जाइए। आहा आ गए सेठ जी, आओ आओ जल्दी आओ, आइए सेठ जी। कोई बात नहीं पत्नी जी, जल्दी पगड़ी पगड़ी पगड़ी। बरिहारी गाँव सिठानी, बधाई हो बधाई, लो कपू के बापू। मैम आओ सिठानी। अरे बाप, आओ भाइयो आओ। बोलो। अरे सेठ जी आप तो ससुराल वालों के घर जाकर बैठे रहे, हम इधर उधर जाकर पता लगावा कि हमारी भाभी अर्थात आपकी पत्नी को पागल कुत्ते ने काटा है। हाँ, और आज उसका 40वां है। 40वां? आज वो हर हालत में पागल हो गई है। पागल? हाँ, और आपको काटने की कोशिश करेगी। जैसे ही आपको काटने की कोशिश करे सेठ जी, आप धनाधन उसकी पिटाई शुरू कर देना। भैया जी तुम क्या कह रहे हो? अरे सेठ जी हम सच बोले थे, आप अपनी रक्षा का बराबर बंदोबस्त रखना। बहू जी दिल पर पत्थर रखकर सुन लो, ये जो हमारे भैया है ना अर्थात तुहार पति, उनका
का जिस्म गल के सड़ गया है। हमारे बात का विश्वास नहीं है ना, तो आज खुद ही देख लियो। रात को जब भैया तुहार पास आएंगे ना, तो ऐसे जबान लगा के चाट लेना। जो शरीर नमकीन न भवा, तो हमका कप्पू की अम्मा ना कहियो। अगर ये बात है तो हम जरूर चाट के देखेंगे। और एक बात, क्या भैया जी, सुहाग रात को अपनी बीवी को बहुत मारते हैं। ऐसा? भैया जी ने पीर डुम्बा बख्शिश किया हुआ है, और पीर डुम्बा बख्श सिर्फ मुंह काटे से डरता है। बस भैया जी जब तुहे मारे तो तुम उन्हें मुंह से काट रही हो। बस ऐसे भैया जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और तुम्हारी जान बच जाएगी।